स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित सहायक प्राध्यापकों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। करीब 3,000 सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है हर बार उन्हें इस मामले में सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है हमारे साथ अन्याय हुआ है, सभी 3,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश चाहिए। ऐसे में एक बार फिर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने उन्हें जल्द ही नियुक्ति का आश्वासन दिया है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चयन होने के साल भर बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज असिस्टेंट प्रोफेसर का आंदोलन जारी है। रविवार को चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर ने नारेबाजी कर पीएससी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और महू से इंदौर तक पदयात्रा निकाली। इसके अलावा भोपाल के नीलम पार्क में भी धरना दिया गया। इतना ही नहीं, छात्रों ने अपना सिर मुंडवाकर विरोध भी जताया। उम्मीदवारों का कहना है नियुक्ति नहीं देने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है। कड़ी परीक्षा पास करने के बाद हमारा चयन हुआ है, ऐसे में नियुक्ति न देकर सरकार 2,500 परिवारों के साथ अप्रत्यक्ष अन्याय कर रही है। वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर सहायक प्राध्यापकों को जल्द ही नियुक्ति देने का भरोसा दिलाया है। से आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार बैठे रहेंगे जब तक कि हर एक अंतिम व्यक्ति को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो जाता है, तब तक बैठेंगे हम लोग। कोई सुध लेने नहीं आया, ना कोई सहयोग मिला सर। हमें सिर्फ हमारा अधिकार चाहिए, ना हमें उनका कोई सहयोग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए। वो केवल हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे दें, हमारा अधिकार दे दें। हमें किसी से कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कुछ किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से कोई बुराई नहीं है, हम सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सर, हम लोग पीएससी से चयनित होकर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पिछले 15 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं, हमको सरकार द्वारा नियुक्ति आदेश नहीं दिया जा रहा है और बार बार आश्वासन देकर के हमको भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसके पहले हम लोग 24 नवंबर से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि से हम लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं, वहाँ से मुंडन करवाया और लगातार हम महापुरुषों के सामने मुंडन करवा रहे हैं। अभी मुंडन की प्रक्रिया सतत हमारी जारी है और साथ साथ अभी तक की हमारी सरकार ने कोई सूद नहीं ली, इसलिए हम लोगों ने आज से भूख हड़ताल भी चालू कर दी है। दरअसल 1992 के बाद 2018 में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी। उस साल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हुआ, उसमें चयनित कई आवेदक सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए पात्र माने गए, जबकि मामले में कोर्ट ने भी काफी हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, आखिर वो नियुक्तियां क्यों नहीं दे पा रही है। उम्मीदवारों का कहना है बीते 6 माह से उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सरकार न तो ठोस तारीख बता पाई है और न ही कारण। अब देखना होगा 2,500 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर मंडरा रहा संकट कब दूर होता है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो सहायक प्राध्यापकों का हल्ला बोल और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से भोपाल की अगर बात कर लें तो यहाँ पर नीलम पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि लंबा वक्त बीत चुका है और नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जाहिर है कि एक कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है और जिस तरह से इनका चयन हुआ है अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, जाहिर सी बात है कि अब सरकार से कितनी उम्मीदें बाकी हैं, इन्हें इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ योगेंद्र तिवारी भी जुड़े हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और नियुक्ति का इंतजार इन्हें भी है। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अमित तावरे जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों का बहुत बहुत स्वागत है DNN पर। योगेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जाहिर सी बात है कि लंबा वक्त बीत चुका है, सरकार से आपको सिर्फ आश्वासन ही मिला है और अभी भी देखने में यही आया है कि उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से धरने पर बैठ चुके हैं आप लोग, क्या लगता है सरकार जाएगी? सरकार से तो हमें यही उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करेगी। सरकार के माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जब झाबुआ चुनाव था तब भी हमारे कई आदिवासी चयनित साथी उनसे मिले थे झाबुआ में। उन्होंने कहा था कि आप हमारा बटन दबा दो, उसके बाद हम आपका बटन दबा देंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी से ज़्यादा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मामले को अधिकारियों ने लटकाया है और गुमराह किया है। केवल 18 विषयों के महज 124 सहायक प्राध्यापकों को चयन पत्र, नियुक्ति पत्र देने की बात कहना और बाकी लोगों को छोड़ देना, जबकि मैं दिखाना चाहूंगा कि यह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और इसमें कहा गया है क्लियर रूप से कि केवल किनको रोका गया है। मतलब इट इज मेड क्लियर दैट द स्टे ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट इज कन्फाइंड ओनली टू द एबव एक्सटेंट। केवल उन महिलाओं को रोका गया है जो महिलाएं आरक्षित श्रेणी की हैं और अनारक्षित महिला में सेलेक्ट हो गई हैं।
केवल ऐसी 51 महिलाओं को रोका गया है और अधिकारियों ने उसी आधार पर 51 महिलाओं की चॉइस फिलिंग रोकी थी। बाद में कोर्ट ने कहा कि इनको केवल चॉइस फिलिंग का अधिकार है, इनके नियुक्ति पत्र भी जारी ना किए जाए, इस आधार पर रोक दिया गया। तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि आप 51 महिलाओं का रोक दीजिए, उनका जब न्यायालय से निपटारा हो जाएगा तब दे दिया जाएगा। लेकिन यह कहकर कि मामला न्यायालय में लंबित है, सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनके मामले न्यायालय में चलते रहते हैं और वो परियोजनाएं चलती रहती हैं जब तक कि न्यायालय स्पष्ट रूप से रोक ना लगा दे। हमारी मांग केवल सरकार से इतनी है कि अगर सरकार हमें आश्वासन दे दे कि हम सारे के सारे लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे और बड़े विषयों के नियुक्ति पत्र दे दे, यहाँ तक कि 124 के अलावा भी, ये ना कहें कि हम केवल 124 का दे सकते हैं, कोर्ट का वाला सरकार ना दे, स्पष्ट रूप से सरकार बताए कि क्या मंशा है, हम आज नीलम पार्क से उठ जाएंगे। जी अमित जी, सुना आपने, अब सरकार की मंशा क्या है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है लेकिन लंबा वक्त बीत चुका है। और जिस तरह से तिवारी जी ने जिक्र किया कि झाबुआ में जब उपचुनाव हो रहा था वहां पर भी जब मुख्यमंत्री जी गए थे तो जो चयनित छात्र हैं उनसे मिले थे, आदिवासियों की जहां तक बात है, और क्या कुछ कहा था वो आपने सुना, लेकिन कोई ठोस वजह क्यों नहीं बता पा रही है प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर? देखिए तिवारी जी मेरे युवा साथी हैं और एक युवा होने के नाते मैं भी उनका दर्द समझ सकता हूं और ये बहुत ही गंभीर मामला है चूंकि 2500 परिवारों से जुड़ा ये मामला है जी, चूंकि ये उसी से व्यक्ति मांगता है जिससे उम्मीद होती है और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय बाद मध्य प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो इतने गंभीर हैं और बात कम करते हैं काम ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है यही उम्मीद है कि सभी साथी लोग अपनी बात जो है यहाँ पर भोपाल में रख रहे हैं। अब रही बात इस मुद्दे की, तो चूँकि 15 महीने पुराना ये मामला है और अगस्त से इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ था और इसमें चूंकि कोर्ट की भी कुछ पेचीदगियाँ थी जी जी। अब जो कि टेक्निकल चीज़ है ये आप और मैं इसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जैसा तिवारी जी ने बताया है कि कोर्ट ने बिल्कुल स्थिति क्लियर की है, जितनी महिलाओं को रोकना था उनको रोका है और मुझे लगता है कि इसमें माननीय मंत्री उच्च शिक्षा और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति और नियत दोनों साफ है, जैसा कि मेरे भाई तिवारी जी ने भी कहा है। क्योंकि कभी कभार अफसरशाही का मामला थोड़ा सा आपने हमने सबने देखा है, मुझको उसको स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से पिछले 15 साल में जो अफसरशाही का जो ढर्रा धीरे धीरे चल रहा था उसको हमने बहुत हद तक तो सुधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-5% अभी भी वो चीज़ बाकी है। लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा आज आपने उठाया है और मेरे साथ ही यहाँ पर तिवारी जी मौजूद हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इन सबसे बात करके अपने स्तर पे जो बातचीत हो सकेगी वो हम मंत्री उच्च शिक्षा से भी करेंगे, अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन के द्वारा भी ये मामला जो है सरकार तक पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द इन परिवारों को न्याय मिले, ये आज से मैं भी इनके साथी के रूप में जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल जुड़ूंगा जी अमित जी, लेकिन न सिर्फ हम सहायक प्राध्यापकों की बात करें बल्कि स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग में 28,000 नियुक्तियाँ शेष हैं, उसके अलावा सहकारिता विभाग की बात कर लें 3629 सेल्समैन की नियुक्तियां शेष हैं, राजस्व विभाग में 1300 पटवारियों जो हैं उन्हें नियुक्ति का इंतजार है। तो अब कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अभी आप तिवारी जी ने जिक्र किया कि अफसरशाही हावी थी और आपने कहा कि ये तो पिछले 15 साल से हम देख रहे थे, लेकिन अब चूंकि आपको भी 1 साल होने वाला है 17 दिसंबर तक, तो अफसरशाही हावी अगर आप भी मानते हैं कि प्रदेश में है तो ये किस तरह से दूर होगी और कब तक दूर होगी? देखिए अफसरशाही, मैंने ये नहीं कहा कि ये पिछली बार की तरह हावी है, कि हमने उसमें 90-95% जो है उसको कंट्रोल किया है और तेज़ गति से काम करना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। क्योंकि आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एज ए मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक ऑफिस वाले व्यक्ति की तरह काम करते हैं, जब वो अपने निवास से निकलते हैं 10:30 बजे पहुँचते हैं और 7:30-8 बजे तक वापस अपने निवास पहुँचते हैं बल्लभ भवन से, तो ये इतनी उम्र में लगातार 18-18 घंटे काम करना, ये एक बहुत ही मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ। और पिछले 1 साल में देखिए कि कई ऐसे निर्णय हुए हैं, चाहे संविदा की बात हो, हम कर्मचारियों के हित में काम करना चाहते हैं, हम युवाओं के हित में काम करना चाहते हैं और आज आप देखिए कि एक और बड़ा विषय आया है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बड़े बड़े महानगरों में जाके रोड शो करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ लाएंगे
और इस बीच जो पिछले दिनों हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट भी हुई थी, तो उससे में सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य था वो राजस्व के से बड़ा जो एक उद्देश्य था, 15 साल में जो बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में बड़ी है वो किस तरीके से उसको कम किया जाए, किस तरीके से अच्छी कंपनियों को मध्य प्रदेश लाया जाए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं जिससे सरकार और हम सभी लोग उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में जो है कमलनाथ जी बड़े बड़े महानगरों में जाकर अपने मध्य प्रदेश के बारे में लोगों को बताएंगे, वहाँ रोड शो करेंगे और नई नई कंपनियां जो हैं मध्य प्रदेश में लगाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। और जो यहाँ पे डिग्रियां हम लोग दिलवाते हैं, जैसे 15 साल में पिछली सरकार ने बड़े बड़े कॉलेज तो यहाँ पर खोले, यूनिवर्सिटियां तो खोली, माता पिता की जो पूरी जीवन भर की कमाई है वो तो फीस के रूप में ले ली, लेकिन जब डिग्री लेके बालक या बालिका छात्र छात्राएं निकले तो उसको देखना पड़ा बम्बई की ओर, बेंगलोर की ओर, दिल्ली की ओर। और रही बात तो अति तो जब हो गई जब व्यापम जैसे यहाँ पर बड़े बड़े ये कांड सामने आने लगे, जिसमें कि बड़े बड़ी मछलियों को तो छोड़ दिया गया, स्टूडेंटों को अंदर किया गया और उसमें माता पिता को अंदर किया गया। और जब आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देश नहीं विदेश में जब हमारे छात्र छात्राएं जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के हो, आप उस मध्य प्रदेश के हो क्या जहाँ पे व्यापम स्कैम हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत है, अभी हमको 1 साल हुआ है आए हुए। आप देखिए निश्चित तौर पर सही दिशा में सरकार चल रही है। और जैसे कि आज का विषय मैं फिर दोहराना चाहूँगा, एक युवा होने के नाते कांग्रेस संगठन के साथ मैं भी आज से इनकी इस बात की इस मांग में मैं शामिल हूँ और इनके जल्द से जल्द जो है इनका निराकरण हम लोग करेंगे। पटेल साहब, 15 महीने पुराना मामला ये बताया जा रहा है, अब तो सत्ता ठीक है परिवर्तित हो चुकी है प्रदेश में, लेकिन अभी भी आश्वासन ही मिल रहा है। और जहाँ तक अफसरशाही की बात की है तिवारी जी ने, तो 15 साल तक सत्ता में आप रहे तो अफसरशाही क्या वाकई में हावी थी, जिसका खामियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, वैसे ही बेरोजगारी की जो दर है प्रदेश का, देश में देख लें हालात क्या है, अब ऊपर से चयनित होते हैं तो नियुक्तियां नहीं मिल पाती। देखिए अंकुश जी, मैं नहीं समझता कि किसी भी मामले का ठीक रहा अफसरशाही पे फोड़ना चाहिए, क्योंकि अफसरशाही पे कुछ चलाने का काम राजनीतिक नेतृत्व करता है जिसको जनता चयन करती है। तो यदि किसी भी तरह से यदि कोई भी इसमें अफसरशाही की लालफीताशाही है या लेट लतीफी है या कोई भी कारण है, उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से राजनीतिक तंत्र की होती है और राजनीतिक नेतृत्व की होती है। वर्तमान में भी देखिए, मैं कोई ये जो इस मुद्दे पर अपन बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से चयनित प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनके मुद्दे पर मैं कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगा सकता हूँ। मेरे को लगता भी है कि जो कि कही जा सकती है बात, क्या कारण है कि ट्रांसफर उद्योग लगाने वाले और इस तरह की उद्योग लगाने वालों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन चयनों में भी कुछ उद्योग का होना चाहिए था, लेकिन मैं इस तरह की बात करके नहीं चाहता कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चयनित प्रोफेसर्स हैं उनके भविष्य पर किसी भी तरह का कोई राजनीति हो। केवल इसमें सीधी सीधी मांग करता हूँ कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में ये चयनित हुए थे, लेकिन उसके तत्काल बाद चुनाव आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद लेकिन 1 साल का समय कांग्रेस शासनकाल को हो गया है। देखिए लाखों लोगों में से ये चयन होकर आए हैं और बड़ी परिश्रम करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं तब जाके ये चयन होता है। और ऐसी स्थिति में भी यदि 15-15 महीने नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़े तो अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे ही देश में प्रदेश में हमारे नौजवान, कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि बेरोजगारी है, ये है, तमाम है, तो उसको दूर करने के लिए जो जिनका चयन हो गया है कम से कम उनको नियुक्ति देने का काम कीजिए। और जैसा कि अभी हमारे योगेंद्र जी ने भी कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया था आप हमारा बटन दबाइए हम आपका बटन दबा देंगे, तो भैया उसके बाद भी आपका बटन दब गया, ठीक है, आपने किसानों के लिए आपको हजारों करोड़ चाहिए थी इसलिए कर्ज माफ नहीं कर पाए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहा है, लेकिन कम से कम ये जो थोड़े से चयनित प्रोफेसर हैं जो लाखों लोगों के बीच में से चुने गए हैं उनको नियुक्ति देने का काम कीजिए, ताकि ये समझ में आए नौजवानों को, कम से कम ये प्रेरणा तो मिलते रहे कि वो परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसका प्रतिफल उनको मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, हमारी तो शुभकामनाएं कि उनके दावे सच्चाई में परिवर्तित हो, उन पर ताकि प्रदेश का कल्याण हो, तो उसमें से भी यदि इस मुद्दे का भी समाधान होगा तो मैं समझता हूँ कि इन नौजवानों का नवयुवतियों का लाभ होगा और जनहित में, इनके हित में और हमारे प्रदेश के हित में कमलनाथ जी को शीघ्रातिशीघ्र संवेदनशील तरीके से निर्णय लेकर इनको नियुक्ति देना चाहिए। बिल्कुल, किरावन जी
क्या कुछ वजह रहती है? देखिए, अगर 10 पोस्ट भी निकलती है सरकारी विभाग में तो उसके लिए आपको पता है कि कितने आवेदन पहुंचते हैं ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म जमा होते हैं, 10 पोस्ट के लिए ही लगभग 1-1 लाख आवेदन पहुंच जाते हैं, फिर उन लाखों में से चयनित होकर जो बच्चे पहुंचते हैं वो नियुक्ति का इंतजार करते हैं, लंबा वक्त बीत जाता है, आखिर कहाँ कमी है, कहाँ सिस्टम में कमी है? देखिए, सरकारों में बहुत ज़्यादा कमी होती है इस मामले में, मैंने देखा है, महसूस किया है। जी, जब यहाँ दिग्विजय की सरकार थी तब सहायक प्राध्यापकों की, असिस्टेंट प्रोफेसर की एडहॉक पोस्टिंग होती थी और लंबे समय तक 93 में सरकार बनी थी, उनके बाद लगातार सहायक प्राध्यापकों की एडहॉक पोस्टिंग होती रही और अंत में जाके 2001 में जितने सहायक प्राध्यापक थे प्राय सबका नियमितीकरण कर दिया गया, अर्थात एक आज से लगभग आप समझिए कि 17-18 साल पहले सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हायर एजुकेशन के महाविद्यालयों में हुई, भर्ती मान लें जिनको रेगुलर किया गया अपन तो भर्ती माने। उसके बाद जब 2003 में भाजपा की सरकार बनी तब से सहायक प्राध्यापकों की भर्ती नहीं हुई, ना असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक के एडहॉक पोस्टिंग हुए, बल्कि उनके स्थान पर अतिथि विद्वानों को रखा गया। जी जी, और जहाँ जहाँ जिन जिन विषयों में अध्यापक की कमी होती थी, प्राध्यापकों की कमी होती थी, वहाँ अतिथि विद्वान रख दिए जाते थे। आज वर्तमान में अतिथि विद्वानों की संख्या, योगेश जी, संभव तो 42,000 है, 4200 है जी, 4200 है मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई है, हमें भी रेगुलर करो। जी जी, बिल्कुल, और सरकार कई मामले में उनसे सहमत भी है, कई बार आश्वासन भी दे चुकी है कि उनको रेगुलर किया जाएगा, चाहे अब किस तरीके से, चाहे PSC के माध्यम से ले, उनको अलग से PSC उनके लिए आयोजित करे, या जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने, दिग्विजय सिंह सरकार ने रेगुलर कर दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर डेली वेजेस को, तो उसी तरह से इनको भी कर दिया जाएगा, ऐसा अंदाज है। और संभवतः यही कारण है कि टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अभी योगेश जी कह रहे थे 2700 है लगभग चयनित सहायक प्राध्यापक जो PSC के माध्यम से चयनित हुए हैं। सरकार की मंशा यदि पहले होती तो जैसे ही नियुक्ति, जैसे ही PSC का रिजल्ट आया, धनाधन उनको नियुक्ति दे सकती थी। बाद में फिर वो उलझता गया, नई सरकार बनी, दिसंबर महीने में फिर जो चयन से वंचित हो गए थे सहायक प्राध्यापक, उन लोग, कुछ लोग न्यायालय, उच्च न्यायालय चले गए थे, तो उनके याचिका पर सुनवाई करते हुए, जैसा कि अभी योगेश ने बताया बहुत गंभीरता से उस बात को, वहाँ आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सिर्फ 91 महिलाओं की नियुक्ति पर न्यायालय ने स्टे लगाया था। ठीक, लेकिन तात्कालिक अफसरों ने उसकी समीक्षा सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के सामने किस तरह से की मुझे नहीं मालूम। स्पष्ट आदेश है उसमें कि इनको रोक करके बाकी की नियुक्ति दी जा सकती है, प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। तो मुझे लगता है उस समय नियुक्तियों का की प्रक्रिया शुरू कर देनी थी। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आ गए, वो लग गया, आचार संहिता में फंसा रहा। उस इस दौरान लगातार मैंने देखा है कि सहायक प्राध्यापक जो चयनित है PSC से, उनका संघर्ष लगातार चलता रहा, जिस तरह से अतिथि विद्वानों का चल रहा है उसी तरह से। एक बात और, उसके बाद भी, इसके बावजूद भी कोई गंभीरता से प्रयास इसमें नहीं हुए, और जब पिछले हफ्ते भर से दो दबाव बना है इनका, तो पहले खेप में 14 लोगों की नियुक्ति पत्र दी गया, फिर 27 लोगों की नियुक्ति पत्र दिया गया, अब सरकार कह रही कि हमने 124 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, उनकी पदस्थापना कर दी है। अंकुश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब भाजपा शासन काल में नियुक्तियां मंगाई गई थी, रिक्तियां पता की गई थी, एग्जाई की गई थी सभी महाविद्यालयों से, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाना था कि जहां अतिथि विद्वान जिन विषयों के लिए पदस्थ हैं उनको छोड़ के जो रिक्त पद हैं उस पर PSC की डिमांड की जाए, लेकिन वहां बहुत बड़ी त्रुटि हुई। अतिथि विद्वानों को नजरअंदाज करके जो भी रिक्तियां थी उनको रिक्तियां बता के शासन को उस समय भी प्रशासनिक अधिकारियों ने गुमराह करने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है बहुत लंबे वर्षों बाद PSC आयोजित की गई सहायक प्राध्यापकों के चयन के लिए, तो मैं भी सहायक प्राध्यापक रहा हूँ, तो मुझे मालूम है, मैं 86-87 में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो पहली बार पीएससी आयोजित हुई है लंबे अरसे के बाद, और उनको नियुक्तियां देना चाहिए ताकि जो महाविद्यालयों में रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति हो सके। रही सवाल सरकार की मंशा का, तो मुझे लगता है सरकार की मंशा तो स्पष्ट जिस तरह से शुरू की गई है नियुक्ति पत्र देना, तो मुझे लगता है कि देर सवेर उनको दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से परिस्थिति निर्मित है, सारे के सारे 2500 लोग लगभग अनुमान है 2400-2500 लोग नीलम पार्क में आज जमे हुए हैं, मुंडन करा रहे हैं, उनके सामने भविष्य का संकट पैदा हो गया, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक अंतिम चयनित सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति ना दे दी जाए तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एक बड़ा संकट की स्थिति दोनों में, सरकार और सहायक प्राध्यापकों में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा, संभवतः कल इनका लास्ट डेट है, योगेश जी बताएंगे, कल लास्ट डेट है जो अनुमति उनको नीलम पार्क में धरने की मिली है। भूख हड़ताल की तो मिली नहीं है जी, धरना देने धरना प्रदर्शन की ही मिली है, तो मुझे लगता है कुछ कानूनी दांव पेच और फंसेंगे और आने वाले दिनों में सहायक प्राध्यापकों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बीच सरकार को बहुत गंभीरता से उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। आखिर जिन लोगों ने आज, लोगों की 45-46 साल उम्र हो गई है जिन सहायक प्राध्यापक चयनित हुए हैं उसको, और उनका एज बार होने वाला है, आखिर करेंगे क्या वो भविष्य में, इस बात को लेकर के बहुत गंभीर चिंतन सरकार को करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी जी, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आज समय की कमी है, कि आगे क्या कुछ रुख रहने वाला है आपका, चूंकि अगर आप खुद कह रहे हैं कि हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अब तो आप डट चुके हैं, लेकिन खिलावन जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि कल जिस तरह से धरने की अनुमति जो मांगी गई थी उसकी मियाद भी खत्म हो रही है, तो समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो फिर आने वाले वक्त में क्या कुछ करने की तैयारी है? हम 24 तारीख को जब जी महू से बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली से जब हम लोग पदयात्रा लेकर निकले और लगभग 2500 लोग 250 किलोमीटर की यात्रा करके भोपाल पहुंचे जी, इस बीच में हमें अनुमतियां एक साथ नहीं थी, हम लगातार अपने आंदोलन को जारी करते रहे, हमारे जितने भी चयनित साथी हैं अगर उनके ऊपर डंडे भी बरसाए जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आह भी करेगा। ठीक, हम इस तरह के आंदोलन के पक्षधर हैं, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हम लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें अनुमति नीलम पार्क में एक दिन की थी, एसडीएम साहब ने आज फिर बढ़ाई जी, जी। हम आंदोलनकारी नहीं है, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ठीक, हम ये कहते हैं कि शिक्षा अतिथि विद्वानों को आप रेगुलर कर दीजिए, अतिथि विद्वानों को रेगुलर कर दीजिए। जब यह परीक्षा आयोजित की गई तो अतिथि विद्वानों को 20 अंक शिवराज सरकार ने दिया, 20 अंक दिया, जो नए लड़के थे 20 अंक मतलब 5%। हम में से जो अतिथि विद्वान भी है, ठीक, हम में से लगभग 1400-1500 लोग, 2700 में से 1146 लोग हम अतिथि विद्वान है, मैं खुद अतिथि विद्वान हूं। ठीक है, ठीक। हमने उस अनुभव के अंक का फायदा उठाया, हम चयनित हो गए। कुछ अतिथि विद्वान एकदम निम्नतम स्तर में नंबर पाए हैं, हम ये कहते हैं आप उनको रोजगार दीजिए। ठीक, शिक्षा के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा को रोजगार नहीं बनाना चाहिए। हमारे गरीब लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जो आदिवासी दलित लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए कम से कम इतना किया जाए कि वहां पर कॉलेजों में जो लोग योग्य हों उन्हें ही रखा जाए। आपने भी जिक्र किया कि हम प्रदर्शनकारी नहीं हैं, जाहिर सी बात है कि शिक्षा का अलग जगाने के लिए ही आपने जिक्र किया कि आप अतिथि विद्वान हैं, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं अनुभव का फ़ायदा आपको मिला, और एक परीक्षा, आपने कठिन परीक्षा भी पास की है, निश्चित तौर पर आपकी जो मांगे हैं वो भी जायज़ हैं। आने वाले वक्त में चूँकि देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से यह धरना प्रदर्शन किया है, मुंडन कराया गया है प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों ने, वो उसका कितना प्रभाव पड़ता है प्रदेश सरकार पर, चूंकि 15 महीने का वक्त बीत चुका है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि सहायक प्राध्यापकों की जो मांग है उसका निराकरण कब तक प्रदेश सरकार करती है, कब तक इन्हें नियुक्ति पत्र मिलता है, कब तक नियुक्ति नहीं मिलती है। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।